जी क्रिएशंस फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैफ अली खान जो है वो बॉलीवुड के बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर हैं। ये नवाब ऑफ पटौती के बेटे और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं और करीना कपूर इनकी वाइफ हैं। इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर जो है वो 1992 में स्टार्ट किया था और 2023 तक ये काम कर चुके हैं और हमें बहुत सारी सुपरहिट मूवीज़ भी दे चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कौन से सन में इन्होंने कौन सी मूवी की है और कौन सी मूवी इनकी सुपरहिट गई है और आज तक ये कितनी मूवीज़ कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने कौन से सन में कौन सी मूवी की। सबसे पहले 1992 में इन्होंने परंपरा मूवी की थी। उसके बाद 1993 में आशिक आवारा इन्होंने मूवी की थी। फिर 1993 में ही इन्होंने पहचान मूवी भी की थी। उसके बाद 1994 में इन्होंने ये दिल लगी मूवी की थी काजोल और अक्षय के साथ। ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। और फिर 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इन्होंने की थी और ये इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिर 1994 में यार गद्दार मूवी इन्होंने की थी और 1994 में ही इन्होंने आओ प्यार करें ये भी की थी शिल्पा शेट्टी के साथ। फिर 1995 में इन्होंने इम्तिहान मूवी की थी रवीना टंडन के साथ, ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। फिर 1995 में इन्होंने सुरक्षा मूवी की थी। 1996 में इन्होंने एक था राजा मूवी की थी। फिर 1996 में ही इन्होंने दिल तेरा दीवाना मूवी की थी ट्विंकल खन्ना के साथ। 1996 में ही इन्होंने बम्बई का बाबू की थी और 1996 में ही इन्होंने तू चोर मैं सिपाही की थी अक्षय कुमार के साथ, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 1997 में इन्होंने हमेशा मूवी की थी काजोल के साथ और 1997 में ही इन्होंने उड़ान मूवी की थी। उसके बाद 1998 में इन्होंने कीमत मूवी की थी अक्षय कुमार के साथ और ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। और 1998 में ही इन्होंने हमसे बदकार कौन। फिर 1999 में कच्चे धागे इन्होंने मूवी की थी। 1999 में ही आरजू मूवी इन्होंने की थी माधुरी के साथ, ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। फिर 1999 में ही हम साथ साथ हैं इन्होंने की थी और ये इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिर 2000 में क्या कहना इन्होंने मूवी की थी प्रीति जिंटा के साथ और ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2001 में दिल चाहता है इन्होंने की थी, ये भी इनकी सुपर डुपर हिट गई थी। फिर 2001 में ही रहना है तेरे दिल में दिया मिर्जा के साथ की थी, ये भी इनकी हिट गई थी। 2002 में ना तुम जानो ना हम इन्होंने की थी ईशा देओल के साथ। फिर 2003 में डरना मना है इन्होंने की थी। 2003 में ही इन्होंने कल होना हो की थी और ये भी इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिर 2003 में ही इन्होंने कारगिल मूवी भी की थी। उसके बाद 2004 में इन्होंने एक हसीना थी की थी उर्मिला के साथ और ये भी इनकी हिट गई थी। फिर 2004 में ही इन्होंने हम तुम की थी और ये भी इनकी सुपर हिट गई थी रानी मुखर्जी के साथ। फिर 2005 में सलाम नमस्ते इन्होंने की थी प्रीति जिंटा के साथ। 2006 में ही इन्होंने बीइंग साइरस की थी और 2006 में इन्होंने ओमकारा भी की थी। उसके बाद 2007 में इन्होंने नहले पे दहला की थी और 2007 में ही इन्होंने तारा रमपम की थी, ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। उसके बाद 2008 में इन्होंने रेस मूवी की थी, ये भी इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बाद 2008 में ही इन्होंने तशन मूवी की थी करीना कपूर के साथ और 2008 में ही थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक इन्होंने की थी रानी मुखर्जी के साथ। 2009 में इन्होंने कुर्बान मूवी की थी करीना कपूर के साथ, ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। फिर 2009 में ही लव आजकल इन्होंने की थी दीपिका के साथ, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2011 में इन्होंने आरक्षण मूवी की थी दीपिका के साथ। 2012 में इन्होंने एजेंट विनोद की थी करीना कपूर के साथ और ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। फिर 2012 में ही इन्होंने कॉकटेल मूवी की थी, ये भी इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। 2013 में इन्होंने गो गोवा गोन की थी। 2013 में ही इन्होंने बुलेट राजा मूवी की थी, ये भी इनकी काफ़ी हिट गई थी। और 2013 में ही इन्होंने रेस 2 भी की थी, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। 2014 में इन्होंने हमशक्ल मूवी की थी और 2014 में इन्होंने हैप्पी एंडिंग मूवी की थी। 2015 में इन्होंने फैंटम मूवी की थी कैटरीना कैफ के साथ। उसके बाद 2017 में इन्होंने रंगून मूवी की थी
फिर 2017 में इन्होंने शेफ मूवी भी की थी, 2018 में इन्होंने बाजार मूवी की थी, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2018 में ही इन्होंने कलाकंदी मूवी की थी, उसके बाद 2019 में इन्होंने लाल कप्तान मूवी की थी और 2019 में ही इन्होंने तान्हाजी मूवी भी की थी। उसके बाद 2020 में इन्होंने जवानी जाने मन मूवी की थी और बंटी और बबली 2 मूवी की थी रानी मुखर्जी के साथ, और 2020 में ही इन्होंने दिल बेचारा में भी एक पार्ट किया था, ये भी काफ़ी हिट गई थी। उसके बाद 2021 में भूत पुलिस इन्होंने की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।